ये लाइफ मैजिक का खेल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वहीं यह फिल्म अपने 4th दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा रिस्पांस हासिल कर रही है, और वहीं ऑडियंस इस फिल्म को अभी तक कितने अच्छे रिव्यू दे चुकी है, और साथ ही साथ इस फिल्म को पब्लिक रिव्यू कितने अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी, जिस मूवी को जोरदार शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया, और वही दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को जोरदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर जो कि अच्छा खासा रिस्पांस तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स भी अच्छे खासे रिव्यू दे रहे हैं। आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी जो कि एक जोरदार तो फिल्म साबित हो ही गई है, और साथ ही साथ आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी ने बहुत सारे लोगों का दिल जीता, और वही दोस्तों सिनेमा हॉल में तालियां ही तालियां बज रही हैं। आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी दिन पे दिन अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आ रही है। आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी जो कि एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, यानी कि यह फिल्म क्रिकेट के ऊपर बनाई गई फिल्म है, इसी कारण ऑडियंस और भी ज्यादा रुचि ले रही है इस फिल्म में। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन ने दमदार तरीके से एक्टिंग करी है घूमर मूवी में, वाकई में उनकी एक्टिंग तारीफ लायक है। हालांकि अभिषेक बच्चन जिस तरीके से बॉलीवुड में कमबैक किया है, उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से जो कि सबको ही चौंका के रख दिया है। आप लोग बता दें कि अभिषेक बच्चन पहले बिग बुल मूवी से आए और उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कि ताबड़तोड़ तरीके से ऑडियंस का दिल जीता, और वहीं दोस्तों बिग बुल जो कि एक जोरदार फिल्म रही और साथ ही साथ ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब भी रही। वहीं आप लोग बताइए चले कि फिर आए 10वीं मूवी लेके, जो कि वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, और वहीं आप लोग बता दें कि 10वीं मूवी में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बहुत ही जोरदार थी और बहुत ही सराहनीय थी। और वहीं दोस्तों अभिषेक बच्चन को जो कि 10वीं मूवी के लिए जोरदार तरीके से जो कि अवार्ड भी मिला था। आप लोगों को बताइए चले कि अभिषेक बच्चन की हर फिल्म में अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन तो कर ही रही हैं, और साथ ही साथ ऑडियंस को इनकी हर फिल्म में अच्छी भी लग रही हैं, यानी कि ये अपनी स्क्रिप्ट भी बहुत ही सोच समझ के चुन रहे हैं, और साथ ही साथ एक्टिंग भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इस फिल्म में आप लोगों को जो कि एक हैंडीकैप लड़की की कहानी दिखाई गई है, और वही दोस्तों हैंडीकैप लड़की कैसे जो कि एक हाथ से क्रिकेट खेलती है, इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को फिल्म में देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो आप लोग फिल्म जाके जरूर देखें घूमर मूवी। वहीं बात करें इस मूवी में आप लोगों को अभिषेक बच्चन के साथ और कौन नजर आया, तो आप लोगों को बता दें कि अमिताभ बच्चन ने भी जो कि लाखों लोगों का दिल जीता, और इस फिल्म में जोरदार तरीके से अमिताभ बच्चन भी आप लोगों को दिखाई देंगे। वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। घूमर मूवी ने अपने पहले दिन 3 करोड़ रुपया का कारोबार किया, दूसरे दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ 25 लाख रुपया का कारोबार किया, और तीसरे दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 6 लाख रुपया का कारोबार किया। यानी कि इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पांस दिखाया, और आप लोगों को बताइए चले कि घूमर मूवी ने जो कि 3 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 31 लाख रुपया का कारोबार किया। वही दोस्तों आज इस फिल्म को 4th दिन है, और यह फिल्म अपने आज के दिन भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी दिखा रही है, और वहीं ऑडियंस का दिल जीतते हुए नजर आ रही है। मात्र 20 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन तो कर ही रही है, और वहीं दोस्तों ऑडियंस का दिल जीतते हुए भी नजर आ रही है। आर वाल की वाकई में जोरदार और शानदार फिल्में बनाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने घूमर मूवी देखी है तो आप लोगों को घूमर मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें।